अभी हम किचन गार्डन दिखाने वाला हूँ। ये है गार्लिक। अभी तो 2 सप्ताह हो गया है शायद ये गार्लिक। और ये सब देखो, ये नया नया क्या लगाया है यहाँ। मटर थोड़ा निकल रहा है देखो। और ये किंग चिली तो बड़ा हो गया है, किंग चिली। और ये तो हल्दी और है। और मान धनिया लाए हम लोग। एक्चुअली यहाँ ग्रीन हाउस में तो जमीन नहीं है ना, अपना जमीन नहीं है, इसलिए थोड़ा यहाँ मिला है, इसीलिए खेत करना शुरू कर दिया है। इसका नाम तो पता नहीं, हम लोग लोपोंग बोलते है। देखिए ये हम लोग का ट्रेडिशन में बहुत पॉपुलर है ये, बहुत यूज करते हैं मछली से। और बॉयल में देता है। और इसको तो पता है शायद हम लोग तो इसको हान बूटी बोलते हैं। और ये सब धनिया, ये धनिया अभी निकलने वाला है। और पता है आप लोग, ये हम लोग वो जो अंडा का वो कवर है ना, हम लोग यहाँ दे दिया है। ये इस जमीन में खार बन जाता है। ये सब तो हनबूटी है सब। ये सब तो लोफा साक है। लोफा पता है आप लोग को लोफा साक कैसा है? मछली से खाना पड़ेगा जब बड़ा होगा। ये लोफा साक तो मछली के लिए रखा है, जब बड़ा होगा तब लोकल मछली से बनाना पड़ेगा। और ये सब किंग चिली है, ये लग गया है, लासिया का था ये सब। ये देखो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहे हैं हम लोग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और ये सब हम लोग नहीं लगाया है, ये सब हम लोग खाने को मिला है, ले लिया। मिलता है खाने का, ये तो लाइफ पार्ट है। यहाँ क्या क्या लगाया है पता नहीं है, ये मालिक है हम लोग का नहीं है। और ये देखो वो हम लोग का रोजल प्लांट्स, वो ग्रीन वाला हम लोग का, ग्रीन वाला हम ग्रीन रोजल और रेड रोजल, हंसेरंग बोलते हैं। और इस तरफ अभी सुंदर नजारा दिखा रहा हूँ, कैसा लगता है इधर से पूरा हवा आता है। और यहाँ पे बहुत सारा और बर्ड्स आता है, ये जोल्फा है। और वो तो बकरी है, बकरी हम लोग बकरी बोलते हैं। इधर से पूरा हवा आता है, शिलोंग शिलोंग जैसा फील होता है, गर्म के दिन में भी ठंडा ठंडा हवा आता है। देखो इस तरह तो घर नहीं है, बहुत कम है ऐसा टाउन एरिया में, ऐसा रहना बहुत अच्छा लगता है। तुलसी, एक्चुअली तुलसी प्लांट हर घर में होना चाहिए, क्योंकि एक मेडिसिन है। जब खांसी होता है, सर्दी होता है, तब तुलसी के साथ वो जिंजर मिक्स करके खा सकता है, गर्म पानी में देके, और गर्म पानी चाय में भी दे सकता है। हर चाय के कप में तुलसी देख के चाय पी सकता है। ये सब नया फूल है, नया प्लांटेशन है। और ये फूल ये सब भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा एजेड हो गया है, बूढ़ा हो गया है। ये देखो इसका फूल निकल रहा है, मतलब ये इसका समय आ रहा है चेंज करने का। ये और ये भी बहुत अच्छा चीज है, पता है शायद आप लोग का ये क्या है। इसे ये तो एलोवेरा है, आप लोग एलोवेरा से जूस बना के भी खा सकता है। और कहीं आपका शरीर में कुछ घाव होने से आप लगा सकता है एलोवेरा। एक इम्पोर्टेंट प्लान है, हर घर में ये भी रहना चाहिए। और ये है अमला,
हम लोग उसको फिलू बोलते हैं, कार्बी भाषा से हम लोग फिलू बोलते हैं। आमलोखी असमी से आमलोखी बोलते हैं इसको, गुआवा प्लेन है। मधुरियाम बोलते हैं हम लोग, कार्बी से तो मधुराम बोलते हैं, और सुप्रीम भी बोलता है, कोई कोई सुप्रीम बोलते हैं, कोई कोई मधुराम बोलते हैं, कोई कोई मधुरियाम बोलते हैं, कोई कोई मैंदुराम बोलते हैं, अलग अलग प्लेस अलग अलग है, इसीलिए थोड़ा भाषा भी थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये हेवाली फूल, रात में इस ये फूल फूल के चारों तरफ खुशबू फैलाता है। अभी तो हेवाली फूल का समय है,